गुड मॉर्निंग सॉरी गुड आफ्टरनून माई डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स मेरा नाम हैश्विनी सैनी और मैं हूँ आपका अंग्रेजी का अध्यापक यानी योर इंग्लिश टीचर स्वागत है आपका आयल्स प्रिपरेशन सीरीज़ के एक और लेक्चर में आयल्स रीडिंग जी हाँ हम रीडिंग मोड्यूल की बात करते हैं बारह बजे के टाइमिंग पे और पाँच बजे राइटिंग की बात करते हैं तीन बजे वकैबलरी और छः बजे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स की डेली क्लासेस होती है जी हाँ रोज़ आपके लिए मैं चार बार लाइव होता हूँ और चारों बार इंग्लिश से जुड़ी हुई हम बात करते हैं मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं आपके परिवार में सभी स्वस्थ हैं सब खुशहाल हैं क्योंकि सबसे ज़रूरी है जब दिमाग शांत रहेगा जब परिवार में सब कुछ ठीक होगा तभी ठीक से पढ़ाई हो पाएगी रना पढ़ाई नहीं हो पाती सभी इकट्ठे हो जाएं आज के सेशन में बहुत जरूरी डिस्कशन हम करने वाले हैं अपनी नोटबुक लेके बैठिएगा और आज जो मैं बताऊंगा वो इंग्लिश रीडिंग के लिए बहुत जरूरी है आज हम पैसेज नहीं करेंगे लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी काम करेंगे कि पैसेज को करना कैसे है रीडिंग में इंप्रूवमेंट कैसे लेके आनी है रीडिंग का स्किल इंप्रूव हो तो वो किस तरीके से होगा तो ये बात हम आज के रीडिंग सेशन में करने वाले हैं तो इससे पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें तो जो नए बच्चे हैं या जो बच्चे हमारा स्टडी मटेरियल चाहते हैं आइल्स का लिसनिंग टेस्ट रीडिंग टेस्ट लिसनिंग की टेप स्क्रिप्ट उसके ऑडियो उसकी पी हमारी खुद की लिखी हुई राइटिंग की किताबें स्पीकिंग की किताबें और वह सारा ताम जहाँ चाहते हैं और एक सिस्टमेटिक एक सीक्वेंस डे वाइज प्लान चाहते हैं आयल्स प्रिपरेशन का तो आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है आपको कहीं से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं महीने के किसी को छः हज़ार रुपया या सात हज़ार आठ हज़ार रुपया देने की ज़रूरत नहीं वो स्टडी मटेरियल आज हमारी सेल है ट्वेंटी नाइन्थ में आज ट्वेंटी नाइन्थ में है सैटरडे तीन से चार बजे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर वन फोर नाइन नाइन में आइल्स का टोटल ऑनलाइन कोर्स जी हाँ मेरे ही वीडियोस हैं उसमें एटी uh, प्लस वीडियोस हैं लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग जिसमें बारीकी से हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है जो आपको आइल्स में चाहिए आइल्स की इंप्रूवमेंट के लिए चाहिए वो सब प्लस स्टडी मटेरियल जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा इस 1499 के पैकेज के अंदर तो ये सिर्फ एक घंटे के लिए होगा तीन से चार बजे मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखें डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक दिया हुआ है गूगल प्ले स्टोर में जाके आप योर इंग्लिश टीचर लिखेंगे मोबाइल ऐप आ जाएगी और वहाँ पे आज इस कोर्स की कीमत तीन से चार बजे वन फोर नाइन नाइन होगी जैसे ही आप इसे परचेज़ करेंगे आपके साथ गूगल ड्राइव पे सारा मैटर शेयर हो जाएगा और जो वीडियो एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा बाकी के लेक्चर्स तो आप मेरे साथ अटेंड कर ही रहे हो मेन है डे वाइज प्लान वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज का रीडिंग का लेक्चर हरिया, हरिया, हरिया। प्रिंस थैंक यू वेरी मच आई रियली अप्रिशिएट कि आप हर रोज मेरी जगह पे बाकी बच्चों को याद दिलाते हैं कि उन्हें लाइक like करना है सेशन को और सब्सक्राइब करना है चैनल को तो इतने प्यारे इतने सपोर्टिव स्टूडेंट किसे मिलेंगे आई एम प्रिवलेज आई एम फॉर्चुनेट मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे छात्र मिले हैं जो इतनी दूर बैठ के भी मुझे सपोर्ट कर पा रहे हैं और अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं आपको पूरे दिल से पूरी ज़िंदगी सपोर्ट करूँगा फिलहाल इंग्लिश सिखा के मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ ओके okay. चलो शुरू करते हैं स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आइल्स रीडिंग वाई इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस इन रीडिंग वाई एनालिसिस मेरा फेवरेट वर्ड एनालिसिस माई फेवरेट वर्ड एनालिसिस एनालिसिस क्या है भाई मेरा फेवरेट वर्ड एनालिसिस तो जो बच्चे मुझसे रेगुलर पढ़ते हैं आप लोग YouTube पे पढ़ रहे हैं बाकी जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी लेते हैं एनालिसिस ये वर्ड मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इसे बोलते हैं विश्लेषण 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 होता है किसी चीज़ की गहराई में निकलना किसी चीज़ की बाल की खाल निकालना किसी चीज़ के अंदर घुस के ये समझना कि उसका आधार क्या है अब एनालिसिस रीडिंग में करना कैसे है और करना क्यों है अगर यह आपने सीख लिया तो आपकी रीडिंग जल्दी इम्प्रूव हो सकती है कम वक्त में इम्प्रूव हो सकती है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को रीडिंग में ही आती है इतना मुझे ही पता है ये मैं जानता हूँ ठीक है तो एनालिसिस क्यों करना है सबसे पहले आप मुझे बताएं परफेक्शन क्या है परफेक्शन क्या है जी हाँ दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू वट इज़ परफेक्शन मुझे आप कमेंट्स में लिखें आपको क्या लगता है परफेक्शन किसे कहते हैं आपको पता होगा आमिर खान जी हाँ उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है आमिर खान आमिर खान कि वो एक परफेक्शनिस्ट हैं आमिर खान एक परफेक्शनिस्ट हैं परफेक्शनिस्ट यानी कि जब भी वो कोई काम करते हैं पूरी परफेक्शन के साथ करते हैं तो आपके लिए परफेक्शन शब्द का क्या मतलब है यशिका आप कह रहे हैं नोट टू मेक मिस्टेक मिस्टेक ना करना यशिका याद रखना है इस बात को नोट टू मेक मिस्टेक आप कह रहे हैं परफेक्शन है गलती ना करना गलती ना करना यू आर फर्स्ट डियर फॉर टेलिंग अदर्स टू लाइक ओके वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड आफ्टरनून मॉर्निंग है आफ्टरनून है डजेंट मैटर परवाह नहीं है हम पढ़ रहे हैं आप कनेक्टेड हो मैं कनेक्टेड हूं लेक्चर चल रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इज परफेक्शन तो कोई कह रहा है प्रैक्टिस परफेक्शन है सभी अपने अपने नजरिए से बता रहे हैं परफेक्शन क्या है प्रैक्टिस इज परफेक्शन नोमेडिक आवारा आप एक बात को कई कई बार लिखते हैं लेकिन कई बार लिखने से वो बात का प्रभाव नहीं बढ़ जाता इसलिए आप एक बार लिखें मैं पढ़ लूंगा टेंशन मत लो प्रैक्टिस इज परफेक्शन एम एस धोनी इज परफेक्शनिस्ट ओके फोकस परफेक्शन मीन्स एक्सीलेंस चलिए मैं आपकी बात बड़ी करता हूं आप जो सब बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं सबके ख्याल अच्छे हैं लेकिन अब मेरा नजरिया देखिए परफेक्शन का मतलब जीरो एरर जीरो एरर जीरो एरर जी हां ये आपको लगता है जीरो एरर किसी ने अभी कहा था नो मिस्टेक जीरो एरर नो मिस्टेक नो मिस्टेक कोई गलती नहीं जीरो एरर लेकिन क्या आपको लगता है इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कभी कोई गलती ना करे क्या ऐसी कोई चीज पॉसिबल है कभी कोई ऐसा इंसान है जो कभी नहीं गिरता जिंदगी में जब आप चलना सीख रहे थे बचपन में क्या ऐसा हुआ था आप पहली बार ही उठे और चलने लग गए और उसके बाद कभी नहीं गिरी जीवन में कभी नहीं हो सकता कि एरर ना हो कभी नहीं हो सकता कि एरर ना हो तो परफेक्शन का मतलब जीरो एरर नहीं होता नहीं गलत है एरर जीरो हो ही नहीं सकता द ह्यूमन इज मेड फॉर कमिटिंग सर्टेन एरर्स इंसान बना है कुछ गलतियां करने के लिए लेकिन यह उसकी जिम्मेदारी है कि वो गलतियां कम करे कमिटिंग द फ्यूएसट नंबर ऑफ एरर्स कमिटिंग द फ्यूएसट नंबर ऑफ एरर्स एक आवत होती है टू अर इज ह्यूमन टू अर इज़ ह्यूमन इंसान गलतियों का पुतला है इंसान से भूल हो जाती है गलतियां हो जाती है टू अर इज़ ह्यूमन लेकिन परफेक्शन है कम से कम गलतियां करना कम से कम गलतियां करना अब आप कह रहे हो एम uh, एस धोनी परफेक्शनिस्ट है आमिर खान परफेक्शनिस्ट है अब आपको नहीं पता आमिर खान परफेक्शनिस्ट है तो क्या आमिर खान की फिल्में फ्लोप नहीं होती तो क्या आमिर खान की ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं हैं तो आमिर खान कई बार ऐसी बात नहीं बोल जाते जिस पर बवाल हो जाता है तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है जिसे आप परफेक्ट कहते हैं ज़ीरो एरर ज़ीरो एरर पॉसिबल ही नहीं है ज़ीरो एरर भाई नहीं है तो कमिटिंग फ्यूएस्ट एरर कम से कम गलतियां आप करें वो परफेक्शन है जी हाँ ज़ीरो एरर को तो आप अचीव कर ही नहीं सकते कम गलतियां यानी कि हमें सीखना क्या है हमें अपनी गलतियों को कम करना है हाउ विल यू बी अ परफेक्ट रीडर आपको अपनी गलतियां कम करनी है यानी कि आप एक परफेक्ट रीडर कब बनोगे यानी कि कम गलतियां रीडर आप कम गलतियां करो तब जाके आप एक परफेक्ट रीडर बनोगे जीरो एरर तो हो ही नहीं सकता ठीक है चलिए कैसे बनोगे आप एक परफेक्ट रीडर मुझे यह बताना है आपको जो कि फिलहाल बात चल रही है आइल्स की रीडिंग की रीडिंग स्किल की रीडिंग आप कैसे इंप्रूव करोगे यही मेरा काम है इसलिए आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो चलो अब परफेक्ट रीडर क्या करता है की फाइंडिंग की फाइंडिंग योर एरर एंड रिमूविंग अपने एरर ढूंढते रहो और उन्हें रिमूव करते रहो अपने एरर ढूंढते रहो रिमूव करते रहो अपने एरर ढूंढते रहो रिमूव करते रहो उससे क्या होगा आपके एरर कम होते चले जाएंगे एरर कम होते चले जाएंगे और आप क्या होते चले जाओगे परफेक्ट होते चला चले जाओगे यानी कि यानी कि जब आपका मान लो ये है ना इधर परफेक्शन है परफेक्शन ठीक है ना और ये एरर हैं तो एरर कम होते चले जाएंगे और परफेक्शन ज्यादा होती चली जाएगी जी हां एरर कम और परफेक्शन ज्यादा तो इस तरीके से ग्राफ होता है आपका ठीक है ना एरर कम परफेक्शन ज्यादा एरर कम परफेक्शन ज्यादा अब वो कैसे होगा रीडिंग में वो कैसे होगा मान लो आपने एक रीडिंग का पूरा टेस्ट किया जिसमें तकरीबन कितने 40 क्वेश्चन होते हैं एक रीडिंग में चालीस क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरह से एक आंसर शीट रियल एग्जाम में आपके सामने होती है ये एक आंसर शीट है मान लो तो आपने ये आंसर लिखे हुए हैं पहले का मान लो टैक्सी लिखा दूसरे का सिटी सेंटर लिखा तीसरे का वेट लिखा फोर्थ का डोर टू डोर लिखा रीडिंग है लिसनिंग है किसी कोई भी आंसर शीट है जो मैं आज बता रहा हूँ वो आपका लिसनिंग में भी काम आ सकता है आप ध्यान दीजिएगा और आपने वो टेस्ट की तरह किया और बाद में आपको पता लगा कि आपके ट्वेंटी आंसर तो करेक्ट हैं लेकिन 16 आंसर आपके इनकरेक्ट हैं 24 करेक्ट हैं 16 इनकरेक्ट हैं तो ठीक है भाई 24 करेक्ट है तो छः बैंड आ गया आपका सिक्स बैंड आपका आ गया लेकिन सिक्स ही तो आया है बैंड तो नौ होते हैं ना तो तीन बैंड चला भी तो गया जो कि इससे आना था ठीक है ट्वेंटी फोर पर सिक्स बैंड आ गया लेकिन सोलह जवाब जो गलत है वो चला भी तो गया आम तौर पर आप बच्चे क्या करते हो उसको वहीं छोड़ते हो और अगला टेक्स्ट अगला पैसेज So, ये क्या है ये बहुत बड़ी मिस्टेक है पीछे 16 क्वेश्चन गलत थे क्या किया आपने उन 16 क्वेश्चन का कुछ नहीं किया नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट पैसेज उसमें फिर दोबारा करते हो ठीक है अब छब्बीस ठीक हुए 16 गलत हो गए अगला पैसेज फिर किया अब मान लो तेईस ठीक हो गए तो यहां पे फोर्टीन मान लो गलत हो गए तेईस ठीक हो गए सत्रह गलत हो गए आगे चलते जा रहे हो पीछे छोड़ते जा रहे हो आगे चलते जा रहे हो तो ये गलत अप्रोच है सही अप्रोच क्या है जो ये सोलह जवाब आपके गलत थे चौबीस ठीक थे सोलह गलत थे इस पर फोकस नहीं करना इसको भूल जाओ इसको भूल जाओ इस एरिया को भूल जाओ ये तो सही थे ये तो आता है आपको आप हाथ धो के पीछे पड़ जाओ इन सोलह के और ये आपकी जिम्मेदारी है उन बच्चों को मैं सलाह दे रहा हूं जो एक दिन में दो दो रीडिंग टेस्ट रीडिंग टेस्ट कह रहा हूं मैं रीडिंग टेस्ट यस मैंने देखे ऐसे कि जी हम दो टेस्ट करते हैं दो टेस्ट का मतलब है सिक्स पैसेज सिक्स पैसेज दो टेस्ट अरे ज़्यादा करने से ज़्यादा करने से परफेक्शन नहीं आएगी थोड़ा करो मेरा मेरी फिलोसफी है थोड़ा करो अच्छा करो थोड़ा करो अच्छा करो मैं उदाहरण देता हूँ क्या उदाहरण देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं आपके घर आऊँ कभी और मैं आपको फ़ोन करूँ मैं एक घंटे में आपके घर आ रहा हूँ आप ये सोचो हो अश्विनी सर आ रहे हैं भाई चलो मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ या बनाता हूँ चलो शाही पनीर भी बनाते हैं चलो आ, नान भी बनाते हैं चलो भाई मैंगो शेक भी बनाते हैं चलो खीर भी बना लेते हैं चलो सब्जी में एक मिक्स वेज भी बना लेते हैं चलो भाई चाप भी बना लेते हैं आपका टाइम कितना है वन आवर आप कितने सारे अलग अलग प्रोसेस में इंगेज हो सकते हो इसे एक घंटे में लेकिन आप धक्का करोगे अपने साथ कि पता नहीं मैं क्या क्या कर दूं क्या क्या कर दूं ऐसे में क्या होगा जो भी आप बनाओगे उस पर आप कम ध्यान दे पाओगे आपका शाही पनीर आम सी गुणवत्ता का बनेगा आपकी खीर इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं बन पाएगी आपका जो मैंगो शेक होगा वो बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा इससे अच्छा क्या होता आप सिर्फ़ एक चीज़ बना लेते उस एक घंटे में पूरे फोकस से बना लेते पूरी मेहनत से बना लेते पूरी जान उसी में डाल देते तो मैं आता और मैं कहता मैंने इससे ज़बरदस्त शाही पनीर जीवन में नहीं खाया मैंने इससे ज़बरदस्त मैंगो शेक जीवन में कभी नहीं पिया मैंने इससे स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाई वो चीज़ ज़्यादा मैं याद रखूँगा पूरी ज़िंदगी या मैं ये कहूँगा कि भाई मैं गया था अपने एक स्टूडेंट के घर ठीक है वहाँ पर उसने खाना खिलाया था ठीक है एक चीज़ करो ज़बरदस्त करो करियर में भी यही फिलोसफी में बोलता हूं किसी एक करियर को चुनो किसी एक काम को चुनो लेकिन इतना ज़बरदस्त करो उसे कि बाकी उस लेवल को मेंटेन ही ना कर पाए तो दो टेस्ट छह पैसेज गलत अप्रोच है जो स्ट्रगल कर रहा है रीडिंग में वो ज्यादा रीडिंग ज्यादा रीडिंग से कामयाब नहीं हो पाएगा जो स्ट्रगल कर रहा है वो ज्यादा रीडिंग से कामयाब नहीं हो पाएगा तो ये चीज आप याद रखिएगा ठीक है फिर क्या करना है देखिए भाई उसके बाद आपको क्या करना है आगे ध्यान दें। देंग ए बी सी डी ये चार एरियाज हैं जिसमें मैं बच्चों को बोलता हूं जहां वो गलती करेगा आपको उन सोलह क्वेश्चन में ये देखना है गलती कहां हुई है किस एरिया में हुई है अगर आपको रीडिंग में अपनी वो गलतियां पता लग जाएं तो आप उसको सुधार सकते हैं कैसे पहला ए यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और की वर्ड इन द क्वेश्चन या तो आपकी ए स्टेज में गलती हुई होगी ए स्टेज ए स्टेज का मतलब होता है आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्वेश्चन के अंदर कोई जो वर्ड हुए थे वो समझ में नहीं आए तो जब आपको क्वेश्चन या क्वेश्चन का की वर्ड समझ में नहीं आया तो आपका क्या इंप्रूव करना है आपको क्या चीज इंप्रूव करनी है अपने अंदर वकैबलरी जी हाँ आपको अपनी वकैब और ग्रामर पर काम करना है क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा वकेब समझ में नहीं आएगी तो आपकी प्रॉब्लम ग्रामर की और वैकेबलरी की है अगर आपकी ए स्टेज पे गलती है अगर ये चीज ठीक है आपको क्वेश्चन भी समझ में आया कीवर्ड भी समझ में आया तो प्रॉब्लम होगी बी स्टेज में और बी स्टेज क्या है यू कुड नॉट फाइंड द लोकेशन आपको लोकेशन नहीं मिली भाई टेक्स्ट में आप गए आपको पूरे के पूरे टेक्स्ट में पता ही नहीं लगा कि मेरा आंसर था कहाँ आंसर इन द पैसेज तो गलती किसकी है वो कैबलरी की क्यों कीवर्ड मैचिंग से कीवर्ड मैचिंग टेक्निक से आप टेक्स्ट में जाके अपनी लोकेशन ढूंढते हैं लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि ही फुटबॉल का दूसरा नाम होता है हार्डशिप ही प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल हो सकता है जब आपको ये पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है जब आपको पता ही नहीं है कि मिड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी इज इक्वल टू अठारह या अठारह तो आप कैसे कीवर्ड मैच कराओगे तो यानी कि आपकी कहाँ कमी है आपकी वकेबलरी में कमी है तो आप वो कैब पर काम करेंगे लेकिन आप रीडिंग पे लगे हुए हैं अरे रीडिंग में जो कमियाँ हैं उन कमियों की जो वजह है ये है वजह ये रीज़न ये रीज़न मैं दे रहा हूँ आपको इन रीजंस पे काम करना है आपको ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको लोकेशन मिल जाएगी मैंने सुना है बच्चे बोलते हैं सर लोकेशन मिल जाती है सर लोकेशन की प्रॉब्लम नहीं लोकेशन में तो मैं पहुंच जाती हूं या जाता हूं लेकिन उसके बाद आंसर नहीं पता लगता वो क्या है वो है आपकी कॉम्प्रीहेंशन की कमी यू मिस कॉम्प्रीहेंड द सिचुएशन यू मिस कॉम्प्रीहेंडेड द सिचुएशन एंड पिक द रोंग आंसर तो आंसर था ट्रू लेकिन आपको लगा फॉल्स है आंसर था नॉट गिवन आपको लगा फॉल्स है आंसर में लिखना था कुछ और वर्ड लिख कुछ और वर्ड दिया आंसर में लिखना था कोई और पैरा नंबर लिख कोई और पैरा नंबर दिया अब ये क्यों होता है ये ट्रिक्स की वजह से होता है मिसकॉम्प्रिहेंशन क्यों होता है अरे ट्रिक होती हैं जानबूझ के एग्जामिनर ने ऐसा बनाया हुआ है क्वेश्चन को कि आप फंसो उस जाल में और जिस जाल में वो आपको फंसाना चाहता है उसमें फंस जाते हो और उसी हिसाब से अपना आंसर लिखते हो तो आपको अपनी ट्रिक्स पे काम करना है और वो ट्रिक पे काम कैसे होगा अरे जितना वकैब पर काम करेंगे जितना ग्रामर पर काम करेंगे जितना ज़्यादा रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन की उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे वैकेबलरी और ग्रामर कोर पे काम करें कोर पे बहुत ज्यादा चीज़ें मत करें अगर आप किचन में काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल जितने भी फीमेल्स हैं यहाँ पे अगर आप किचन में काम करते हैं और आपको चपाती बनानी नहीं आती आपको चपाती बनानी नहीं आती चपाती रोटी गोल नहीं बनती ठीक से नहीं बनती उसकी सिकाई ठीक से नहीं हो पाती तो क्या मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पचास चपातियाँ मुझे बना के दे दो नहीं पचास चपाती बाद में बनाना पहले एक चपाती बनाओ पचास क्वेश्चन बाद में करना पहले एक क्वेश्चन करो पचास इंग्लिश के सेंटेंस बाद में बनाना पहले एक सेंटेंस को ठीक से बनाओ तो भाई एक एक करके एक एक करके ही तो पचास तक पहुंचेंगे ना ऐसे ही छः रीडिंग पैसेज तो बाद में करना पहले एक रीडिंग पैसेज तो ढंग से करो एक रीडिंग पैसेज बाद में करो पहले एक क्वेश्चन को तो ढंग से करो एक क्वेश्चन तो बाद में समझ में आएगा पहले तो उसका एक वर्ड समझ में आएगा तो ये बात शुरू हो जाती है शब्दों से एक एक शब्द पे पूरा का पूरा जवाब टिका होता है और उसकी वजह से आप मिसकॉम्प्रीहेंड कर जाते हो और गलत आंसर पिक कर लेते हो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है सबसे कॉमन प्रॉब्लम है सी ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम सी में आती है और वो वो बता सकते हैं मुझे भाई आपको कौन सी स्टेज पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फोर्थ स्टेज ही बता देता हूँ फोर्थ स्टेज होती है आपकी आपने आंसर सही पिक कर लिया कि हाँ लेकिन लिखते वक्त गलती कर दी अटैम्प्ट करते वक्त गलती कर दी कैसे लिखना था चार नंबर के आगे लिख दिया गलती से पाँच नंबर के आगे आंसर था वन वर्ड में गलती से लिख दिए वहाँ पर टू वर्ड जो वन वर्ड था वो ठीक था लेकिन हमने दो वर्ड में आंसर लिख दिया इसलिए इंस्ट्रक्शन वायलेट हो गई उल्लंघन हो गया उसका और आंसर गलत हो गया तो यह आपकी लापरवाही है स्पेलिंग गलत कर दी आपने जल्दबाजी में जबकि वर्ड सही था आंसर वही था लेकिन उसकी स्पेलिंग गलत हो गई तो ये केयरलेसनेस ये आपकी लापरवाही से होगा और ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो एक या दो जवाब एक या दो जवाब लापरवाही की वजह से गलत कर देते हैं अपनी केयरलेसनेस की वजह से गलत कर देते हैं तो बच्चे लिख रहे हैं सर सी गुरजिंदर विशाल अमन हरलीन विक्रम यश आप सभी कह रहे हैं सर सी हमारी प्रॉब्लम है तो अगर सी आपकी प्रॉब्लम है तो उसका उसका समाधान उसका समाधान है अनुभव और ट्रिक्स को समझना मैंने बता दिया है आपको अगर सी आपकी प्रॉब्लम है सी तो उसका समाधान है ट्रिक्स जितने ज़्यादा ट्रिकी रीडिंग के पे आप एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे जितना एनालिसिस अभी बता के गया हूँ ना एनालिसिस वही तो बता रहा हूँ एनालिसिस अपने रोंग आंसर्स का करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होगा कॉम्प्रिहेंशन ठीक है ना कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन का मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन कई बार हमारे अनुभव हमारे पिछले अनुभव की वजह से भी इम्प्रूव होता है उसका उदाहरण सुनो आप उसका उदाहरण मैं देता हूँ मान लो आप अपने आप को ही इमेजिन करो आप किसी अस्पताल में गए सुबह सुबह आप दवाई लेने गए थे वहाँ पे और डॉक्टर से आपने मिलना था आप बाहर बैठ गए बेंच पे कि जब मेरा नंबर आएगा मैं अंदर जाऊँगा डॉक्टर से मिलूँगा और दवाई ले लूँगा अपनी तो जब आप बाहर बेंच पे बैठे थे तो आपने देखा कि आपके सामने वाले बेंच पे भी एक बच्चा बैठा था छोटा उम्र कितनी थी उसकी उसकी सात या आठ साल उम्र थी तो सामने वो बैठा था बेंच पे तो सुबह का टाइम था आप घर से आ गए बिना कुछ खाए पिए आपको भूख लगी आपको लगा चलो मैं कैंटीन जाता हूँ और वहाँ से कुछ खाने का ले आता हूँ आप कैंटीन गए और वहाँ से दो तीन समोसे ले आए और उस बेंच पर बैठ के खाने लगे आपने नोटिस किया कि जब आप वो समोसे खा रहे थे तो जो सामने बच्चा है वो आपको देख रहा है और बड़ी उत्सुकता से देख रहा है और देखते देखते वो अपने होठों पे जीप भी फेर रहा है अब इसका क्या मतलब है ओबियसली इसका मतलब है उसे भूख लगी है आपने देखा बच्चा अकेला बैठा है बच्चे का माँ बाप नहीं है अकेला बैठा है भूखा भी दिख रहा है आपने एक समोसा निकाला और बच्चे के हाथ में थमा दिया जो आपको सही लगा उस टाइम पे आपने उस सिचुएशन को कैसे कॉम्प्रिहेंड किया आपने उस पूरी स्थिति को कैसे समझा कि ये एक भूखा बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं हैं चलो मैं इसका पेट भरता हूँ आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया गुड आपने समोसा उसको पकड़ाया और वापस आके आप बेंच पे बैठ गए तभी अंदर से एक लेडी आई और उसने उस बच्चे के हाथ में जैसे ही समोसा देखा उसने कहा हे hey, राम ये किसने दे दिया इसको पचास किलोमीटर दूर से सुबह सुबह खाली पेट में इसके टेस्ट करवाने लेके आई थी खाली पेट मैं इसके टेस्ट कराने लेके आई थी आज का सारा दिन खराब कर दिया सारी मेहनत खराब कर दी जो बच्चे ने वो समोसा आधा खा लिया था और आधा खा लिया था आपको पता है बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो खाली पेट होते हैं जिसमें ब्लड टेस्ट होता है आमतौर पे तो अब आप बताओ कि आपने उस परिस्थिति को कॉम्प्रीहेंड किया या मिस कॉम्प्रिहेंड किया देखो यहाँ से कॉम्प्रीहेंड किया या मिस कॉम्प्रीहेंड किया थोड़ी देर पहले तक आपको लग रहा था जो आपने किया वो सही किया थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ गया नहीं मैंने जो किया वो गलत किया यही आपके साथ रीडिंग में होता है आप सिचुएशन को जिस वक्त समझते हैं आपको लगता है मैं सही कर रहा हूं और आप अपना आंसर लिखते हैं नो लेकिन बाद में जब आप गहराई से उसका एनालिसिस करेंगे और समझेंगे तो आपको पता लगेगा नहीं उस टाइम पे जो मुझे नो लगा था वो गलत था इसका सही जवाब है नॉट गिवन इसे बोलते हैं राइट कॉम्प्रिहेंशन जो कि किससे निकल के आएगा एनालिसिस से उसकी गहराई में जाने से अब एक बात और सुनो एक बार मान लो आपके साथ ये परिस्थिति हो गई अब एक साल बाद आप फिर अस्पताल गए और फिर यही स्थिति बनी आप बेंच पे बैठे आपके सामने एक बच्चा बैठा हुआ है अब आप मुझे बताओ क्या इस बार आप उस सिचुएशन में दोबारा वही काम करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि आप एक बार उस परिस्थिति से गुजर चुके हो अनुभव हो चुका है आपको और ये अनुभव अब अगली बार आपके काम आएगा यानी कि अब अगली बार आप गलती नहीं करोगे अगली बार आप मिस कॉम्प्रीहेंड नहीं करोगे आप कॉम्प्रीहेंड करोगे यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक्सपीरियंस कितना जरूरी है एक्सपीरियंस कितना जरूरी है ये बात समझ में आई आपको एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है मिस कॉम्प्रिहेंड का मतलब है गलत आंकलन कर लेना और कॉम्प्रीहेंड का मतलब है आंकलन करना राइट right कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है सही आंकलन करना किसी परिस्थिति का तो ये बात आप मेरी ध्यान रखिएगा कॉम्प्रिहेंशन मिस कॉम्प्रीहशन यही हेल है सारा लेकिन सही कॉम्प्रीहेंशन एक्सपीरियंस से इम्प्रूव होता है एक्सपीरियंस हर गलत जवाब का एनालिसिस करने से इम्प्रूव होता है एनालिसिस किस चीज़ का करना है कि मेरा ए स्टेज पे गलती है या बी स्टेज पे गलती है कीवर्ड मैचिंग में गलती है आंसर अटैम्प्ट करने में गलती है मेरी सिचुएशन समझने में गलती है क्वेश्चन समझने में गलती है तो ये चीज़ आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आपका कॉम्प्रिहेंशन करने का अनुभव बढ़ेगा और यह ज्यादा अनुभव आपको ज्यादा स्कोर दिलवाएगा रीडिंग के अंदर तो इसके साथ साथ पैरेलली कौन सी दो चीजें मैटर करती है रीडिंग स्पीड क्यों मैटर करती है रीडिंग स्पीड अरे रीडिंग स्पीड ही नहीं होगी तो 20 मिनट में वहां एक पैसेज करना है 60 मिनट में वहां 40 क्वेश्चन करने हैं आप उस मिनट में क्वेश्चन ही तीस करके आए हो अब तीस में से तेईस पे छ में लेना है तो आपके पास ऑप्शन कितना कम रह गया उसमें से जैसे ही आपके साथ जवाब गलत होंगे आप तो गए काम से चालीस क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तब संभावनाएं बनेंगी कि आपके तेईस क्वेश्चन उसमें से ठीक हो जाएं क्योंकि गलतियां भी तो होनी है ना तो रीडिंग स्पीड आप कितनी तेजी से पढ़ते हो उसी से जुड़ा हुआ है आपका टाइम मैनेजमेंट तो आपके मेन एरिया क्या है देखा जाए तो रीडिंग स्पीड टाइम मैनेजमेंट वोकेबुलरी और ग्रामर और थोड़ा सा ध्यान थोड़े सा परवाह करना लिखते वक्त ध्यान देना इन सारे एरियाज पे काम करोगे तो ओवरऑल क्या इंप्रूव होगा आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी तो तीन एरियाज क्या हैं जिसपे काम करना है अपनी नॉलेज बढ़ाओ नॉलेज नॉलेज से कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होता है अपनी वकेबलरी बढ़ाओ वो से कीवर्ड मैचिंग टेक्निक मजबूत होती है और क्वेश्चन समझ में आता है परिस्थिति समझ में आती है टेक्स्ट में और सेंटेंस स्ट्रक्चर ग्रामर इंप्रूव करो क्योंकि ग्रामर क्वेश्चन में भी होती है ग्रामर पैसेज के अंदर जहां आंसर होता है वहां भी होती है तो इन सारी चीज़ों से आप ज़्यादा अच्छा कॉम्प्रीहेंशन कर पाएंगे हमारी बात चल रही थी कॉम्प्रीहेंशन की कॉम्प्रीहेंशन तो ये जो क्वेश्चन है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही तो है सारा खेल ही कॉम्प्रिहेंशन का है ठीक है चलिए नोमैडिक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि मेरा एक्सेंट अरविंद केजरीवाल से मिलता है अगर मिलता है दैट्स गुड अरविंद केजरीवाल भाई सीएम है दिल्ली के इंडिया की कैपिटल दिल्ली, उसके सीएम सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि चलो चीफ मिनिस्टर जैसा मेरा एक्सेंट है थैंक्स आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट चलो अब थोड़ा सा मैं आपको काम कराता हूं कीवर्ड मैचिंग टेक्निक पे कीवर्ड मैचिंग टेक्निक इसकी बात मैंने पहले भी की थी मैं फिर कर रहा हूं कीवर्ड कैसे पहचानने हैं कीवर्ड होते क्या हैं और वो टेक्निक आपको कैसे यूज करनी है ये बहुत जरूरी है और जिसको कीवर्ड मैचिंग टेक्निक नहीं पता जो बच्चे आज पहली बार हमसे जुड़े हैं वो इसको ध्यान से करें क्योंकि रोज़ जो मैं रीडिंग पैसेज एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें सबसे बड़ा रोल इस कीवर्ड मैचिंग टेक्निक का होता है जी हां सबसे बड़ा सबसे अहम रोल इस कीवर्ड मैचिंग टेक्निक का होता है क्वेश्चन टाइप कोई भी हो ये टेक्निक आपके बहुत काम आएगी मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चे आज हमसे कनेक्ट हुए हैं लेकिन जो लाइक्स हैं वो बड़े कम हैं लाइक like बड़े कम हैं तो मैं पांच तक काउंट कर रहा हूं आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को क्योंकि हम आपसे फ़ीस नहीं ले रहे हैं इन लेक्चर्स के लिए सिर्फ एक लाइक मांग रहे हैं आपसे इतना आप कर सकते हैं हमारे लिए सो so, मैं पांच काउंट कर रहा हूं वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो लाइक कर दीजिए और लाइक कर दिया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई उसमें क्यों देर कर रहे हैं अगर आप आगे के वीडियोस भी चाहते हैं आगे के लाइव सेशन की नोटिफिकेशन चाहते हैं रेगुलर सीरियस हैं अब यहाँ घूमने तो आए नहीं पार्क तो है नहीं ये आइल्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग इनमें इंप्रूव करना चाहते हैं वोकेब्लरी ग्रामर में इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसका सारा समाधान मेरे पास है भाई उसका सारा सामान मेरे पास है मैं बैठा हूँ मैं करवाऊँगा आप सिर्फ बस इस सेशन में आओ लगातार और नोट्स बनाओ जिसके मैं नोट्स बनवा रहा हूँ आपसे ठीक है तो चलिए कीवर्ड मैचिंग टेक्निक में किस तरह के होते हैं कीवर्ड या तो वो नेम्स होते हैं या लोकेशंस होती हैं ईयर्स मंथ्स डेट्स होती हैं फिगर्स होते हैं थिंग्स और मटेरियल, या फिर कोई उसके अलावा मिसलेनियस शब्द कोई मेन वर्ड अलग से एक एक करके एग्जाम्पल देता हूँ मैं इनके फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ एनी रिसर्चर कई बार ज़्यादातर जो आपकी रीडिंग पैसेज होते हैं वो जर्नल में से पत्रिकाओं में से निकाले होते हैं जो रिसर्चर्स अपनी रिसर्च करके पेपर पब्लिश कर देते हैं उसका एक्सट्रैक्ट होता है उसके हिस्से होते हैं जो रीडिंग के पैसेज बनते हैं आपके तो उस कोई नाम होगा लोग इन्वॉल्व हुए हैं रिसर्च में उनका नाम होगा तो कैसे होंगे परकिन वॉज इंस्पायर्ड बाय द डिस्कवरीज ऑफ द फेमस साइंटिस्ट लुइस पास्चर तो यानी कि नेम जब कीवर्ड होंगे तो पर्सन के नाम और ये नाम अलग से ही हाईलाइट हो जाते हैं अलग से ही दिख जाते हैं एक टेक्स्ट में जो आपको पता होता है कि नाम में और नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स में डिफरेंस होता है तो ये की होंगे आगे कौन से होंगे लोकेशन जी हाँ लोकेशन ये कोई जगह हो सकती है कोई शहर का नाम कोई बड़े शहर का नाम कोई देश का नाम या कोई रेलवे स्टेशन बस स्टैंड कोई भी लोकेशन ठीक है ना सिटी सेंटर कंट्री पार्क कोई रोड का नाम एनीथिंग तो जैसे यहाँ पे द ट्री फ्रॉम विच कनीन इज डिराइव्ड ग्रो ओनली इन साउथ अमेरिका तो यहाँ पे अमेरिका का जिक्र है तो ये लोकेशन ऐसे ऐसे वर्ड ध्यान से देखने हैं और मिलते हैं ये बाकायदा कीवर्ड मैच होता है क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होता है जो टेक्स्ट में या तो सेम होता है या सिमिलर होता है तो इससे आपको लोकेशन मिलेगी नेक्स्ट क्या है ईयर मंथ और डेट यानी कि टाइम टाइम तो ये बहुत ज्यादा दिया होता है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेट ऑफ इरप्शन इप्शन इरप्शन ज्वालामुखी में से लावा कब निकला था कब फटा था ज्वालामुखी ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर किस ईयर में वर्ल्ड वॉर हुई थी तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्टिविज्म ओनली पियर्ड आफ्टर द एटीन सेंचुरी तो ऐसे ऐसे वर्ड पे ध्यान दिया करो एटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी ठीक है एग्जैक्ट कोई डेट भी हो सकती है ट्वेंटी थर्ड मे ट्वेंटी नाइन्थ मे जो आज है ठीक है ना सैटरडे कोई वीक हो सकता है आगे देखिए फिगर्स आंकड़े ये बहुत आते हैं पीछे हमने बहुत सारे ऐसे रीडिंग पैसेज किए हैं जहाँ पे संख्या मेंशन हुई है या कोई अमाउंट मेंशन हुआ है तो वो सब फिगर्स में होंगे तो वो क्या हो सकती है कोई स्पीड लिमिट हो सकती है ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर कोई कॉस्टिंग हो सकती है किसी आइटम की या पॉपुलेशन का कोई फिगर हो सकता है वन मिलियन वन बिलियन ठीक है तो यहाँ एग्जाम्पल देखें कंपेयर टू टू जनरेशन अगो वी आर एक्सपोज टू हंड्रेड मिलियन टाइम्स मोर रेडिएशन सौ मिलियन ज्यादा रेडिएशन के हम संपर्क में आते हैं तो ऐसे ऐसे फिगर हमें ढूंढने हैं क्वेश्चन में दिए होते हैं टेक्स्ट में सौ मिलियन ना दिया हो क्या पता किसी अलग तरीके से आंकड़े को लिखा गया हो तो कीवर्ड मैचिंग इस तरह से होती है और फिर होती है थिंग और मटेरियल कोई चीजें होती हैं भाई जैसे यहाँ पे कोई मेटल हो सकती है मान लो कहीं गोल्ड लिखा है सिल्वर लिखा है लेड लिखा है कोई केमिकल हो सकता है एसिटिक एसिड हो सकता है फॉर्मिक एसिड हो सकता है कोई गैस का नाम है मिथेन है या कोई कार्बन डाइऑक्साइड है कोई मशीन का जिक्र है कुछ ठीक है ना तो जैसे यहाँ है द इंजन इन्वेंशन ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल इंजन ट्रिगर्ड द मूवमेंट ऑफ पीपल तो यहाँ पे इंजन जो ऐसी कोई जहाँ पे डीजल इंजन की बात होगी टेक्स्ट में कहीं पे इंजन की बात है हमें उस लोकेशन पे पहुँचना है और वहाँ से हमें अपना आंसर मिलेगा तो कीवर्ड मैचिंग के लिए कीवर्ड वर्ड रिकग्नाइज करना एक क्वेश्चन में बहुत जरूरी है आपके लिए और फिर कुछ मिसलेनियस वर्ड जैसे यहाँ पे है जो सेंटेंस की सेंस कंप्लीट करता है कोई मेन वर्ड फेटल डिजीज तो यहाँ पे खाली डिजीज जरूरी नहीं है आ डिजीज एंटर्ड द यूके थ्रू इंपोर्टेड कोटन कॉटन से जो निर्यात की गई थी बाहर से कॉटन उससे एक डिजीज यूके में एंटर कर गई लेकिन वो डिजीज की खासियत क्या थी कि वो फेटल थी घातक घातक बीमारी थी वो ठीक है ना घातक बीमारी तो अगर यहाँ पे फेटल वर्ड का मतलब आप नहीं समझोगे तो आपको घातक नहीं मिलेगा और टेक्स्ट में क्या पता डेडली वर्ड हो डेडली टेक्स्ट में क्या पता कोजिंग डेथ कोजिंग डेथ कुछ ऐसा वर्ड लिखा हो तो अगर आपको फेटल का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप उसको कैसे मेल कराएंगे टेक्स्ट के अंदर तो ये भी एक मेन तरीका होता है कीवर्ड मैचिंग लोकेशन में जाने का जिस लोकेशन पे आपको आंसर मिलेगा तो ये हैं आपके वो सारे कैटेगरीज जिससे जुड़े हुए कीवर्ड्स आपको ध्यान से देखने हैं चलो अब जो कीवर्ड मैचिंग होती है कई बार तो वो आसान होती है लेकिन कई बार वो ट्रिकी होती है आसान होगी आसान वाले क्वेश्चन में मैंने अक्सर आपको तीन डिफिकल्टी लेवल बताए थे कौन से बताए थे तीन तीन डिफिकल्टी लेवल थे एक ईजी दो मॉडरेट मॉडरेट यानी कि ठीक ठाक ना आसान ना मुश्किल और थर्ड ट्रिकी यानी कि डिफिकल्ट यानी कि डिफिकल्ट डिफिकल्ट तो ये तीन लेवल हैं आपके तो जो इजी वाले होंगे मॉडरेट वाले उसमें जो कीवर्ड मैचिंग होती है सिंपल सी होती है बेसिक सी होती है लेकिन कुछ क्वेश्चन में वो काफी ट्रिकी होती है ट्रिकी यानी कि वो वर्ड थोड़े अलग होते हैं अनकॉमन वर्ड होते हैं अनकॉमन जो शायद आप रेगुलर यूज में नहीं देखते ठीक है तो मैं एग्जाम्पल दे के बताता हूँ आपको आपके सामने ये ईजी कीवर्ड मैचिंग है क्षमा <coughs> कीजिए और आप मुझे बताएंगे कि यहां जो लेफ्ट में लिखा हुआ है और जो राइट में लिखा हुआ है तो कौन सा वर्ड किसके साथ मैच करता है ठीक है ना फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है और ये ए है ये बी ये सी ये डी तो आप मुझे बताओ कौन किसके साथ मैच कर रहा है और ये रीडिंग में होता है और इसमें कोई ट्रिक नहीं है इसको एक छोटा बच्चा भी कर लेगा क्योंकि यहाँ सिमिलैरिटीज़ हैं बहुत आसान है ट्रिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो आप कमेंट में मुझे लिखें माइकल फेराडे फर्स्ट तो ये तो छोटा बच्चा भी कर लेगा तो फर्स्ट का क्या होगा बी बहुत आसान है फर्स्ट का होगा बी यस यू आर राइट लेकिन 20th सेंचुरी दूसरे का देखो 20th सेंचुरी यहाँ छोटी सी ट्रिक है इजी ट्रिक है ट्वेंटिय सेंचुरी इजी ट्रिक है हल्का सा जाल है ज्यादा हैवी जाल नहीं है 20th सेंचुरी अब जिसे नहीं पता कि सेंचुरीज एग्जैक्टली शुरू कहां से होती हैं और खत्म कैसे होते हैं और उनको बोलते कैसे हैं 20th सेंचुरी यानी कि 1920 1920 20th सेंचुरी 1920 अभी हम 21वीं सदी में हैं 21st सेंचुरी में हैं लेकिन ईयर कौन सा चल रहा है 2021 तो 21वीं सदी तो 20 वाली लाइन तो 20वीं सदी तो 19 वाली लाइन तो ये हल्की एक ट्रिक थी कई बच्चे मैं देखता हूं इसी में ही गलत हो जाते हैं उनको लगता है ट्वेंटिय सेंचुरी का मतलब यानी कि 2020 तो ये गलती है पीपल ऑफ चाइना अब जो चाइना के लोग होंगे उन्हें क्या कहेंगे भाई चाइनीज तो कहेंगे उन्हें जो इंडिया के लोग होंगे इंडियन कहेंगे फ्रांस के लोग होंगे फ्रेंच कहेंगे तो यहां कंट्री है वहां नेशनैलिटी है यहां कंट्री है वहां नेशनैलिटी है समझ रहे हैं और मोर देन टू मिलियन तो यहां बाकायदा फिगर लिखा हुआ है भाई टू टू मिलियन तो मोर है ना लेस होता तो यहाँ क्या हो सकता था यहाँ हो सकता वन पॉइंट नाइन मिलियन इस तरीके से जानकारी होती तो ये तो था आसान अब थोड़ी ट्रिकी वाली भी कर लेते हैं थोड़ी ट्रिकी है ज़्यादा ट्रिकी नहीं थोड़ी ट्रिकी है अब आप मुझे बताएं किसका क्या आंसर है मान लो ये एक है ये दो है ये तीन है और ये चार है और ये ए है बी सी डी तो आप मुझे बताएं इसमें किसका क्या आंसर है इस तरह के जो कीवर्ड मैच होंगे वो नॉर्मल वकैबलरी के साथ नहीं होंगे इसी तरह की वोकैबलरी में आपकी कलेक्ट करवाता हूं इसी तरह के हजार पंद्रह सौ शब्द में चाहता हूं आप बच्चे नोट करें क्योंकि ये वर्ड सिर्फ आपकी इस रीडिंग में नहीं पूरी जिंदगी में आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कर देंगे पूरी लाइफ में या आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए काफी क्रूशअल साबित हो सकते हैं हरियप डू इट फास्ट जल्दी से बताएं यंग प्लांट लूनर गेट इन द वे फैटल फैटल वर्ड अभी करके गए हैं हम और इधर है हिंड्रेंस डेथ सीडलिंग और मून तो आप लिख रहे हैं सेकेंड का डी थर्ड का ए फोरथ का सी सेकेंड का डी थर्ड का थर्ड का ए यस yes, और फोर का सी और यंग प्लांट क्या होगा भाई वो भी बता दो तो फर्स्ट का क्या होगा फर्स्ट का सी सीडलिंग यस यंग प्लांट छोटा पौधा छोटा पौधा कम उम्र का पौधा यानी कि सीडलिंग यानी कि सीडलिंग यानी कि बहुत छोटा पौधा। लूनर दो तरह के एक्लिप्स होते हैं यानी कि ग्रहण एक्लिप्स तो आपने सुना होगा सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण तो लूनर होता है चंद्रमा अब ये समझने वाला वर्ड है जिसको नहीं पता नहीं पता नहीं पता तो वो वो जब टेक्स्ट में पढ़ेगा लूनर वर्ड आएगा आंखों के आगे लेकिन उसको पता ही नहीं तो वो आगे निकल जाएगा आगे निकल गया तो गए काम से फिर कहाँ आंसर मिलना था तो कीवर्ड मैचिंग बहुत जरूरी है गेट इन द वे रास्ते में आना गेट इन द वे रास्ते में रास्ते में जो आएगी उसे रुकावट कहेंगे हिंड्रेंस का मतलब रुकावट अब जिसे पता ही नहीं हिंड्रेंस का मतलब रुकावट होता है या अड़चन होता है तो बताओ फिर वो कैसे पता लगाएगा इसलिए कहता हूं बहुत जरूरी हो जाती है वकैबलरी फेटल अभी बता के गया हूं जान लेवा जान लेवा और जब जान ले लेगी तभी तो मृत्यु होगी ना तभी तो डेथ होगी तो इसलिए ये है सिमिलैरिटी ये है आपके कीवर्ड मैचिंग तो इस तरह के कीवर्ड अब आपको अगर लगता है कि बिना वकैबलरी पे काम किए ये आप कर पाएंगे चार कीवर्ड मैचिंग थे एग्जाम्पल में इनका मतलब है चार जवाब चार जवाब किसी के अगर जो तेईस जवाब ठीक हैं अगर वो चार जवाब और ठीक कर लेता है तो आधा बैंड चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस आधा बैंड तो एक एक जवाब मैटर करता है बाईस पे बाईस ठीक होने पे आपका बैंड साढ़े पांच तेईस ठीक होते ही आपका बैंड छाइस पे आप कनाडा की फाइल अप्लाई करेंगे रिजेक्शन आ सकता है क्योंकि साढ़े पांच पे रिजेक्शन आ जाता है आमतौर पे एक एक्स्ट्रा ठीक हुआ आप कनाडा की फाइल अप्लाई करेंगे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ऑफर लेटर भी आएगा वीजा आने की ही बढ़ जाती हैं कई बार इस एक पॉइंट को एक एक्स्ट्रा आंसर रीडिंग में लिसनिंग में ठीक करने के लिए बच्चे को दोबारा तैयारी करनी पड़ जाती है दोबारा से पैसे देने पड़ जाते हैं दोबारा से आयल्स की फीस भरनी पड़ जाती है और अब तो आयल्स की फीस भी बढ़ चुकी है भाई चौदह हजार सात सौ रुपये देने पड़ेंगे चौदह हज़ार रुपये सात चौदह हज़ार सात सौ रुपये कहाँ तो आप ये लेक्चर अटेंड कर पा रहे हैं कोई फीस नहीं और उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ लाइक नहीं किया आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया इस सेशन को कौन करेगा लाइक इतनी अहम जानकारी अपना अपना अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ साझा कर रहा हूँ लाइक like कर दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ मैं आपका बहुत पैसा बचा सकता हूँ बचाया है आज तक बहुत बच्चों का आपका भी बचाएंगे आप घर में बैठें सुरक्षित रहें पढ़ाई करें रोज की चार चार सेशन ले रहा हूँ किसके लिए आपके लिए ले रहा हूँ हरियप तो एक -एक, एक एक जवाब तो क्या पता वो एक जवाब सिर्फ फेटल वर्ड का मतलब पता होने से मिलना हो हिंड्रेंस का मतलब पता होने से मिलना हो या लूनर का तो कलेक्शन करते रहो वकैब कलेक्शन करते रहो रोज डेली वकेब कलेक्शन रोज एक दो तीन करके लिखो अगले दिन अगले दिन पिछले दिन जहाँ छोड़ा था मान लो थर्टी वन पर छोड़ा था अगले दिन थर्टी टू थर्टी थ्री जाने दो उसको छः सौ सात सौ सात सौ पाँच सात सौ दस लिखा होगा ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई मैं वकेबलरी कर रहा हूँ मेरी वकेबलरी लिख रहा हूँ बिना एग्जाम्पल के मत लिखना वो कैब प्लस एग्जाम्पल एग्जाम्पल बिना एग्जाम्पल के मत करना उसका कोई फायदा नहीं होगा तो अक्सर मैं कहता हूं आइल्स रीडिंग टेस्ट इज अ वैकेबलरी टेस्ट आइल्स रीडिंग टेस्ट इज अकेबलरी टेस्ट आइल्स में जो रीडिंग टेस्ट है वो वैकेबलरी टेस्ट है और जो मैं अपने स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट जिन्हें हम ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाते हैं आप भी मेरे स्टूडेंट हो लेकिन यूट्यूब पर जुड़े हुए हो ठीक है ना तीन शब्दों का टारगेट लेके चलते हैं अब जो हमसे वैसे जुड़े हुए हैं पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं उनकी जिम्मेदारी ऑब्वियसली हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है तो उनकी हमें कॉपीज भी चेक करनी होती हैं वो एग्जाम्पल लिख रहे हैं नहीं लिख रहे ये भी देखना होता है रोज उनसे पूछना भी होता है कर रहे हो नहीं कर रहे हो दिखाओ हो कहाँ पर किया है तीन हज़ार और मैं लेके चलता हूँ तीन महीने की कोचिंग थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स में भाई कितने एक महीने में चार वीक होते हैं थ्री मंथ्स में कितने ट्वेल्व वीक्स ट्वेल्व वीक्स एक वीक में मैं बोलता हूँ वन वीक में कि आप कितने वर्ड करो आप करो पचास एक दिन में पचास वर्ड करो एक हफ्ते में दो सौ पचास तो दो सौ पचास एक हफ्ते में करोगे तो एक महीने में कितने हो जाएंगे एक हज़ार और तीन महीने में कितने हो जाएंगे तीन हज़ार शब्द तीन हज़ार तो ये टारगेट मैं दे के चलता हूँ स्टूडेंट को और आमतौर पर इतना टाइम तो लगा ही देते हैं बच्चे लगा देते हैं उनको लगता है मैं एक महीने में कर लूँगा कई मैंने कई बार मैंने देखा है बच्चे सोचते हैं एक महीने में आयल्स हो जाएगा एकदम से हो जाएगा जबकि वो फिर दो तीन चार पाँच पाँच महीने भी लग जाते हैं उनको लगता है एक एवरेज लेवल के बच्चे को आयल्स में तीन महीने का टाइम लगता है लेकिन अगर वो पहले दिन से वो कैब कलेक्शन शुरू करेगा तब जाके उसका दो से तीन शब्दों का कलेक्शन होगा लेकिन वो कलेक्शन एक तो एग्ज़ाम्पल के साथ करना है बिना एग्जाम्पल के मत करना और एक मेरी टेक्निक है फाइव रेपिटेशन टेक्निक कब कब होते हैं रेपिटीशन मैं अलग से एक सेशन भी ले लूंगा इस पर एक तो मान लो आज कोई वर्ड बताया जैसे मैंने फेटल वर्ड बताया आज मैंने ठीक है ना मान लो फेटल वर्ड मैंने बताया जिसका मतलब है जान लेवा तो आज के दिन उनतीस तारीख को आपने वो वर्ड नोट किया तो एक बार हो गया वो आपका टुडे ठीक है तो आज क्लास में टुडे क्लास वो वर्ड आपने सीख लिया दूसरी बार वो वर्ड आज ही टुडे जब रात को प्रैक्टिस करोगे इवनिंग या नाइट तो जितने वर्ड क्लास में हुए हैं दस पंद्रह बीस पच्चीस वर्ड उनको एक बार फिर से सोचो उन पर एक सेंटेंस बनाओ अपनी कॉपी में लिखो तीसरी बार वो कब होना है नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे उसकी प्रैक्टिस कर लो चौथी बार कब होना है वीकेंड वीकेंड जी हां शनिवार रविवार को वीकेंड और पांचवी बार कब होना है मंथ एंड तीन महीने कोचिंग ले रहे हो ना तो हजार शब्द इकट्ठे लेके बैठा करो मंथ के एंड में और सेम एग्ज़ाम्पल जो मैं देता हूँ वो सेम एग्जाम्पल अपने माइंड में लेके आया करो फैटल कोरोना वायरस फैटल डिजीज़ बन बन गया है कोविड नाइन्टीन फैटल डिजीज़ बन गया है कैंसर था एड्स था लेकिन अब तो कोविड नाइन्टीन भी फैटल डिजीज़ हो गया है और इस फैटल डिजीज़ की वजह से बहुत सारे लोग मर गए हैं इस फैटल डिजीज़ की वजह से शमशान घाटों में नंबर नहीं लग रहा लोगों का जलाने का नंबर उनका अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ रहा है कि कब जलाएंगे तो फैटल वर्ड की तस्वीर बनाओ दिमाग में तो कब कब करने आपको ये शब्द आज क्लास में पहली बार दूसरी बार रात को प्रैक्टिस करते वक्त विद एग्जाम्पल कॉपी में लिख लो तीसरी बार अगले दिन एक बार पचास शब्दों को गो थ्रू कर लो रिकॉल कर लो हफ्ते के एंड में कितने शब्द होंगे ढाई सौ शब्द हैं तसल्ली से बैठो आधे घंटे के लिए सोचते जाओ दिमाग में एक एग्जाम्पल एक बनाते जाओ और मंथ एंड पे हजार शब्द लेके बैठो अपने किसी दोस्त के साथ या खुद से और एक एक वर्ड को सोचते जाओ दिमाग में चलाते जाओ तो ये होते हैं फाइव रेपिटेशन इस तरह से वो कैब करोगे तो फायदा है वरना कोई फायदा नहीं और मैं तो भाई मेहनत कराने के लिए टीचिंग करता हूँ मेरा वो हिसाब किताब नहीं है कि तुक्के लगवा दू नोट गिवन लिख देना अगर वहां पर दैन दे रखा हो ये होते हैं गलत टीचर चीटर्स चीटर्स जो होते हैं ना चीटर्स एक तो होते हैं टीचर एक होते हैं चीटर्स चीटर्स वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन में देखना अगर देन दे रखा हो ना रादर देन दे रखा हो तो ऐसे क्वेश्चन नॉट गिवन लगा देना यार ये कोई बात हुई फिर आप सिखा क्या रहे हो राइटिंग में कहते हैं टू बिगिन विद लिखना है मेन बॉडी पैरा जहां शुरू कर रहे हो बस टू बिगिन विद लिख देना टू बिगिन विद ये क्या बात हुई भाई मतलब ये तो कोई भी लिख लेगा इसमें फिर इंग्लिश इंग्लिश का कौन सा स्किल है टू बिगिन विद अरे बताओ ना कि हर एक चीज का मतलब क्या है मोर ओवर लिखना है तो क्यों लिखना है कब लिखा जाता है मोर ओवर इट गोज़ विदाउट सेइंग लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं लेकिन बहुत सारे टीचर बस ये लिखना है अनडाउटडली लिखना है बस जब पता ना उसका मतलब क्या है क्रैमिंग नहीं करनी भाई और ऐसे टीचर्स को मैं टीचर नहीं मानता धक्का कर रहे हैं वो अपने साथ अपने स्टूडेंट के साथ बुरा हाल किया हुआ है बहुत सारे लोगों का पैसा खराब हो गया है ऐसे ऐसे टीचर्स से पढ़ के जहाँ गाइडेंस नहीं मिस गाइडेंस मिलती है घुबराह करते हैं पैसा खराब करते हैं वक्त खराब करते हैं तो बहुत बुरा लगता है जब आप आप बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ होता है महंगे महंगे इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हो दो दो तीन तीन, तीन महीने की एडवांस फीस दे देते हो और उसके बाद भी आपको वैल्यू नहीं मिलती कल परसों ही एक बच्ची से बात हो रही हो रही थी तीन तीन चार चार बार एग्ज़ाम दे चुकी है वो उसकी आज भी ग्रामर में प्रॉब्लम है वो कैब में प्रॉब्लम है तो मेरा प्रश्न ये है कि जो जब तीन एग्ज़ाम दे रही थी तो तीन एग्जाम देने से पहले ग्रीन सिग्नल किसने दिया था एग्ज़ाम देने का अगर वो रेडी नहीं थी तो और जब उसको आयल्स की प्रिपरेशन करा रहा था कोई इंसान तो क्या उसने ये जज नहीं किया कि इसकी ग्रामर में कमी है इसके पास वकैब का बेस नहीं है तो वो प्रिपरेशन के दौरान क्यों करा रहा था क्यों नहीं कहा रुको आयल्स मत करो अभी अभी बेस पे काम करो मुझे समझ में नहीं आता लोग मतलब क्यों सही सलाह नहीं देते तो दिस तो इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बहुत सारे बच्चे बहुत पैसा खराब करते हैं आयल्स की प्रिपरेशन पे आयल्स के एग्जाम पे किसका फ़ायदा हो रहा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का भरे भरे डेढ़ सौ डेढ़ सौ बच्चे के क्लास में पढ़ता है अरे टीचर को बच्चे का नाम तक नहीं पता होता तुम उस क्लास में जाके बैठ के करते क्या हो सबसे बड़ी बात ये है और सबसे बड़ी बात आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल उनकी मौज हो रखी है भाई उनको दे दो तुम पैसा एग्जाम डेट तो लोग ऐसे बुक कर लेते हैं जैसे चलते चलते पाँच रुपये के कहीं से चने खरीद लिए हों पंद्रह हजार रुपये पूछ के देखो अपने माँ प्यो से कैसे कमाते हैं वो किस तरह से आते हैं पंद्रह हजार रुपये ध्यान दो भाई इन चीज़ों पे जो मैं बता रहा हूँ मैं बड़ा दुखी हूँ इस तरह की टीचिंग से मैं बड़ा दुखी हूँ इस तरह के अनुभव जब मेरे साथ शेयर करते हैं बच्चे उस लिए इन इन क्लास में मैं इसका जिक्र करता हूँ कि आप मत फंसो टीचिंग टीचिंग जो टीचिंग दे रहा है टीचिंग में आओ चीटिंग में नहीं चलिए भाई आज का सेशन ख़त्म करने पर हम आ चुके हैं हमारी जो लाइव क्लास है जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को सेशन को और आज सैटरडे है कल संडे भाई कल क्लास नहीं हो पाएगी मैं क्षमा चाहता हूँ छः दिन लगातार चार चार घंटे तो मैं आप ही के साथ जुड़ा हुआ हूँ कब कब बारह बजे रीडिंग तीन बजे इंग्लिश वकेबलरी पाँच बजे आइल्स राइटिंग और छः बजे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तो एक संडे की छुट्टी मिलती है तो संडे को मैं रिलैक्स करूँगा और मंडे से फिर दोबारा ये सारे सेशन आपके शुरू हो जाएंगे तो आप नोट कर लीजिए जो नए बच्चे हैं वो ये सारी सपोर्ट इन लाइव सेशन में और पिछले जितने वीडियोज़ हैं पिछले जितने वीडियो हैं आप ये मत सोचें जो नए जुड़े हैं कि हमारा नुकसान हो गया हम लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए फिलहाल वो सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं अभी तो अवेलेबल हैं ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं उन्हें हटा देते हैं या मेम्बर्स के लिए खोल देते हैं फिलहाल अभी वो सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं और अभी रहेंगे वो मैं वादा करता हूँ अभी कुछ टाइम वो अवेलेबल रहेंगे जब तक लॉकडाउन हैं जब तक आप अपने घरों में हो तो पढ़ो पढ़ो करो पढ़ाई अपनी तसल्ली से तो डेली क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट है उसमें सारे आयल्स के पीछे के वीडियोस हैं अभी जो सेशन लिया था 38, 39 सेशन था आज जो सेशन मैं ले रहा हूँ यानी कि पीछे के सारे सेशन उसमें अवेलेबल हैं डेली वो कैब डोज पीछे के सारे सेशन उसमें अवेलेबल हैं डेली फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इंग्लिश स्पीच विद फुल सब ये लिसनिंग से जो इंग्लिश सीखना चाहता है बड़े बड़े सब से जो अपनी इंग्लिश लिसनिंग इंप्रूव करना चाहता है उसके लिए ये बहुत बढ़िया एक प्लेलिस्ट है और आयल्स स्पीकिंग इंटरव्यू इससे आपको पता लगेगा कि इंटरव्यू कैसा दिया जाए किस तरह की परफॉर्मेंस पे कितना बैंड आता है तो यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये थी हमारी आज की बात सुरक्षित रहें सीखते रहें लेकिन जाते जाते मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ फिर याद दिला देता हूँ कि आज तीन से चार बजे जो नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें तीन से चार बजे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में उसमें ये दो कोर्सेज स्पोकन इंग्लिश का और आयल्स का दोनों एकेडमिक और जीटी टी चार का पूरा तीन महीने का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विद मटेरियल स्टडी जो ई e बुक्स होती हैं हमारी और 150 प्लस वीडियोस एक सिस्टमेटिक वे में वो आपको मिल सकता है बिल्कुल ना के बराबर ये कीमत है इतनी कीमत आप चुकाओगे तो आपको पता लगेगा कि कितना आप सीखने के लिए उत्सुक हैं थोड़ा पैसा दोगे तो शायद इस्तेमाल भी कर लोगे इस मैटर का बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा तो फ्री की चीज़ों की तो बिल्कुल वैल्यू नहीं करते आप लोग ऐसे ही आइल्स का वन फोर नाइन नाइन में आप पूरा स्टडी मटेरियल जी हाँ तीन महीने का स्टडी मटेरियल कई बच्चों को लगता होगा हम क्या लिसनिंग करेंगे रोज़ में रीडिंग कौन सी करें किताबें कहाँ से लेके आए इतने लिसनिंग कहाँ से निकालें तो हमने वो सब निकाल के रखी हुई है लाइन में लगा के सेवेंटी प्लस रीडिंग टेस्ट सेवेंटी प्लस लिसनिंग टेस्ट मेरी खुद की लिखी हुई राइटिंग की टास्क वन टास्क टू लेटर की किताबें स्पीकिंग की ई e बुक और मॉक टेस्ट भी उसी के अंदर इंक्लूडेड हैं प्लस ए प्लस मेरे खुद के बनाए हुए वीडियोस लिसनिंग रीडिंग के क्वेश्चन टाइप के सारे वीडियोस हैं राइटिंग के जितने भी टाइप्स होते हैं टास्क वन टास्क टू के लेटर्स के सारे वीडियोस एक एक करके उसमें अवेलेबल हैं और जितने भी टिप्स ट्रिक्स हो सकते हैं सब मैंने अपने वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है तो ये जो मैं सपोर्ट दे रहा हूँ ये तो है ही है साथ में आप वहाँ से स्टडी मटीरियल ले रोज हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं आज उनतीस मई शनिवार को तीन से चार बजे ये सेल रहेगी तीन से चार बजे कम हो जाएगी कीमत आपने सिर्फ उसको बाय करना है पेमेंट मेथड आपको जो भी लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए भाई सेशन को ख़त्म करते हैं और एक आखिरी बार फिर जो बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर दें तीन बजे मैं वकीबलरी के सेशन में मिलूंगा आपको अब लेकिन अभी चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास और लाइक लाइक कर दें वीडियो को अभी भी कम लाइक है 326 लाइक है सिर्फ सिर्फ थ्री ट्वेंटी सिक्स लाइक हैं क्या इतने ही बच्चे होने चाहिए क्या इतने ही बच्चे ऐल्स कर रहे हैं नहीं ज़्यादा कर रहे हैं लाइक like कर दीजिए ओके okay? तीन बजे वकैबलरी पर मुलाकात होगी पाँच बजे राइटिंग पे और छः बजे अगला लेक्चर करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे वाइज चल रहे हैं उसमें हम तीन से चार बजे कोर्स खरीद लीजिएगा दो मिनट लगते हैं उसमें ये मत सोचिएगा कि वकेबलरी का सेशन कैसे अटेंड करेंगे हम दो मिनट ऐप पे जाना है कोर्स की कीमत कम हो रखी होगी पेमेंट करो यू से गूगल पे से फोन पे से पेटीएम से कार्ड से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा आपका उसके बाद जो सेशन लगाना है लगा लेना और मैं थोड़ा गाइड कर दूंगा कि मैटर को यूज़ कैसे करना है ठीक है जाओ स्टडी मटेरियल ले लो हमारी ऐप से आज एक गोल्डन मौका है लॉकडाउन अभी बढ़ेगा इंस्टीट्यूट्स के लिए एक महीना क्या पता इंस्टीट्यूट और ना खुले, तो आपके लिए सुनहरी मौका है गो एंड बाय इट ओके थैंक यू वेरी मच इन दिस सेशन अपना ध्यान रखें खुश रहें बात रहें